हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कारफोर सेल में न्यू अपडेट कब आएगा। उसके अंदर एम्प्लॉय हायर करने का ऑप्शन आप लोग को दिखेगा या नहीं दिखेगा, और उसमें आप लोग अपना शोरूम अपग्रेड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो सारी बातें मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग को दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में सारी डिटेल आपको मैं दे दूंगा। गाइस, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि 25 तारीख को अपडेट आ जाएगा, लेकिन 25 तारीख से 26 तारीख हो गई, प्ले स्टोर में अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला। इसी वजह से अगर आप लोग अपना गेम खेलते होगे तो आप लोग को बहुत सारे लैग भी देखने को मिल रहा होगा, इसलिए आप लोग भी अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अपडेट कब तक आएगा, और इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग ड्रैग रेस कैसे जीत सकते हो। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। गाइस, आप लोग अपनी स्क्रीन पे चार अपडेट देख रहे हो, इसमें वैसे दो अपडेट तो आ चुके हैं, दो अपडेट अभी तक नहीं आए, जैसे तीन कार अभी तक ऐड नहीं हुई है और एम्प्लॉय हायर करने का ऑप्शन नहीं आया है। उससे पहले आप लोग ये देख लो कि आप लोग ड्रैग रेस आराम से कैसे जीत सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कार बैट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने अपनी कार बैट कर दिया है। अब आप लोग को मैं इजी तरीके से ड्रैग रेस जीतना सिखाता हूँ, और इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप लोग बड़ी से बड़ी कार जीत सकते हो, जैसे निसान जीटीआर, माज़दा। उसके बाद आप लोग को अपनी कार को स्टार्ट कर लेना है, उसके बाद आप लोग को अपनी कार को फर्स्ट गियर पे डाल देना है, उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं देखना है और अपनी कार को सीधा भगाना चालू कर देना है। ऊपर काउंटिंग चालू हो जाएगी कि वापस आओ, लेकिन आप लोग को वापस नहीं आना है। उसके बाद आप लोग को आगे भागते हुए चले जाना है। उसके बाद यहाँ लिख के आएगा कि आप लोग अपनी फरारी हार चुके हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप लोग अपने गेम में वापस जाकर देखोगे तो आप लोग को उसकी भी फरारी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं अपडेट की, तो गाइस बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोग को इसी मंथ की लास्ट डेट तक अपडेट देखने को मिल जाए कि जो एम्प्लॉय हायर का ऑप्शन है, ये अपडेट अभी तक इसलिए देखने को नहीं मिला है क्योंकि गेम के अंदर बहुत सारे बग हैं, तो गेम वाले सबसे पहले उसे सही कर रहे हैं। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस मंथ के लास्ट डेट तक अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर इस मंथ के लास्ट डेट तक नहीं मिला तो अगले वीक के अंदर तो देखने को मिल जाएगा, और 2 से 3 वीक के अंदर बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोग को शोरूम अपग्रेड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाए, जिससे कि आप लोग अपना शोरूम अपग्रेड कर सकते हो। गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।